कड़ाके की ठंड पड़ती है तो लोग हीटर के पास ज्यादा वक्त बिताते हैं। कुछ घरों में ऐसा सीन होता है, लेकिन कुछ घर में हर कमरा कंफर्टेबल होता है, लोग आराम से रहते हैं। ऐसा होता है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की वजह से। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम या तो वाटर बॉयलर बेस्ड होता है या फिर गैस वाला होता है। इस वीडियो में बात करते हैं गैस वाले की। गैस वाले सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में होता है एक फर्नेस यानी भट्टी, जिस पर जलाई जाती है गैस। गैस के जलने से प्रोड्यूस होती है हीट, जिससे हीट एक्सचेंजर गर्म होता है। हीट एक्सचेंजर जब गर्म होता है तो घर के अंदर की जो हवा होती है उसको उससे गुजारा जाता है। जैसे जैसे हवा उसमें से गुजरती है गर्म होती जाती है, और फिर घर के अंदर लगे डक्ट वर्क से यानी पाइपों के जाल से उस हवा को पूरे घर में सर्कुलेट किया जाता है, यानी कि पूरे घर में गर्म हवा का सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से आप कड़ाके की भी ठंड में भी घर में गर्म माहौल बना के कंफर्टेबली रह सकते हो। फर्नेस कब तक जलता है, उसका जलना बुझना कंट्रोल होता है थर्मोस्टेट पे, आप जो भी टेम्परेचर सेट करते हो उससे। ये तो बहुत ही आम फीचर है घर के, जो हम हमारे आम हीटर होते हैं घर में, गीजर्स होते हैं, उनमें थर्मोस्टेट लगे होते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में।